एक लड़की जो आईएएस की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद अपने गांव वाले घर आती है और वहां पर अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आपको कल एक पंचायत का आयोजन करना होगा। अब इस बात को सुनने के बाद उसका पिता थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि बेटी अभी अभी तू आईएएस बनी है और इसके बाद तुम्हें पंचायत किस बात की करनी है। उसके बाद उसकी बेटी उसे पंचायत का कारण बताती है और जैसे ही उसका पिता उस पंचायत का कारण सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झट से अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इस बात को देखकर उसकी बेटी भी फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, क्या कारण था उस पंचायत को बुलाने का और उस पंचायत को बुलाने के बाद क्या होगा, इस कहानी में पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है एक छोटे से गाँव की। एक छोटे से गाँव के अंदर एक छोटा सा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर दो माता पिता है, उनकी दो लड़कियां हैं, उनका कोई लड़का नहीं है। जो बड़ी लड़की है उसका नाम है पूनम। पूनम जो कि 18 साल की हो चुकी है, वो अपनी स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेती है। उसकी छोटी बहन उससे 5 साल छोटी है और उनके पिता गांव में उनकी कुछ पुश्तैनी जमीन है उस पर खेतीबाड़ी किया करते हैं और उसी से घर का भरण पोषण किया करते हैं। दोस्तों, परिवार बड़ा ही खुशनुमा था। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है और इसी दौरान एक दिन के समय में पूनम के पिता के पास गाँव के कुछ दबंग लोग आते हैं और वो उससे आकर कहने लगते हैं कि जिस जमीन पर तुम खेती करते हो कल से तुम उस जमीन पर खेती करने के लिए नहीं जाओगे। अब इस बात को सुनने के बाद पूनम का पिता उनसे कहता है कि क्यों भाई, वो जमीन तो मेरी पुश्तैनी है और मैं उस जमीन पर खेती करने के लिए भला क्यों नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद वह दबंग लोग उससे कहते हैं कि उस जमीन पर आज से हम खेती किया करेंगे और तू अगर उस जमीन पर खेती करने गया तो तेरे परिवार को रातों रात गायब करवा देंगे और अगर तुमने इस बात की शिकायत कहीं करने की कोशिश की तो फिर देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इस बात को सुनकर जो पूनम का पिता, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और गहरे सोच विचार में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा कैसे होगा और ये क्या हो गया है मेरे साथ। धीरे धीरे शाम होती है। शाम को पूनम भी जो कॉलेज से वापस आ गई थी, पूरा परिवार एक साथ बैठता और बैठने के बाद इस बात को जो पूनम का पिता है वो पूरे परिवार को बताता है। वहाँ पर पूनम की माँ भी थी और पूनम भी थी और पूनम की छोटी बहन भी थी। इस बात को बताते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था कि ये लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। इसके बाद पूनम की माँ पूनम के पिता से कहती है कि आप ऐसा कीजिए, कल पंचायत बुलाइए और पंचायत में ये बात सभी के सामने रखना, उसके बाद कोई ना कोई तो हमारी मदद करेगा, इतना गांव है। उसके बाद पूनम का पिता दूसरे दिन पंचायत रखवाता है और पंचायत में सभी लोगों को बुलाकर उनके सामने अपनी इस बात को रखता है। वो कहता है कि मेरी पुश्तैनी जमीन को ये लोग हड़पना चाहते हैं और मुझे उस पर खेती करने से बिल्कुल मना कर दिया है। अब इस बात को जैसे पंचायत में बताया जाता है तो वहां पर पंचायत के अंदर जितने भी गणमान्य लोग आए हुए थे वो सभी उस दबंग व्यक्ति से डरा करते थे। वो कुछ इसी तरह का व्यक्ति था, वो किसी की कोई बात नहीं माना करता था और जो भी उससे किसी बात को मानने के लिए फोर्स किया करता वह उस आदमी के साथ बहुत बुरा किया करता था। अब इसके बाद पंचायत में जितने भी लोग आए थे वो कोई भी पूनम के पिता की बात को नहीं सुनते हैं। इधर वह व्यक्ति भी आ जाता है जिस व्यक्ति ने उसके पिता को खेती करने से मना किया है और वहाँ पर आने के बाद पूरी पंचायत के सामने वह पूनम के पिता को जलील करता है। अब जैसे ही उसको जलील किया था तो उसके बाद जो पूनम का पिता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन गहरे सोच विचार में डूब जाता है। पंचायत खत्म हो जाती है, पंचायत के अंदर कोई भी फैसला नहीं हुआ था और पूनम का पिता वापस से अपने घर आ जाता है। आज पूनम की छुट्टी थी तो पूनम कॉलेज नहीं गई थी और वहीं पर अपने पिता को जैसे घर आते हुए देखती है तो उनसे पूछती है कि पिताजी पंचायत में क्या फैसला हुआ। इसके बाद पूनम का पिता पूनम से कुछ भी नहीं कहता है और ऐसे ही घर के अंदर चला जाता है। अब अपने पिता की इस हालत को देखकर पूनम भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ा करती है और इतनी समझदार तो है कि उसे पता चलता है कि पिताजी किसी न किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसके बाद वह गांव में इधर उधर लोगों से पूछकर उस बात के बारे में पता करती है कि पिताजी के साथ पंचायत में क्या हुआ है। सभी लोग उसे बता देते हैं कि तुम्हारे पिताजी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे, पंचायत के अंदर ही फूट फूट कर रोने लगे थे। इस बात का पूनम को बहुत ही बुरा लगता है और वो मन ही मन बहुत गहरे सोच विचार में डूब जाती है। धीरे धीरे शाम होती है। शाम को पूनम और पूनम की बहन कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनका पिता और उनकी माँ बाहर दरवाजे के पास बैठकर आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पूनम का पिता पूनम की माँ से कह रहा था कि आज मेरे साथ जो पंचायत में हुआ है, अगर मेरा बेटी की जगह बेटा होता तो ऐसा नहीं होता। इस बात को पूनम अंदर बैठी हुई सुन रही थी और जैसे वो इस बात को सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि आज उसको महसूस करा दिया गया था कि वो एक लड़की है, वो एक लड़का नहीं है।
उसका पिता अपनी पत्नी से कह रहा था कि अगर मेरा बेटा होता तो मेरे कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहता और उन लोगों को मैं देख लेता। इस बात को उसकी पत्नी भी सुनती है और कहती है कि कोई बात नहीं जी, जो भगवान ने हमारे साथ किया उसको हमें अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास बेटी है तो बेटी भी अच्छी ही है। इस बात को पूनम की माँ कहती है, लेकिन पूनम को वो बात चुभ गई थी जो उसके पिता ने पहले कही थी, और उसको महसूस होने लगता है कि अगर मैं बेटा होता तो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर खड़ा रहता। इसके बाद पूरी रात भर पूनम इसी बात के बारे में सोचती रहती है। उसकी छोटी बहन अभी ज़्यादा छोटी थी तो वो सो गई थी, लेकिन पूनम के दिमाग में वही बात बार बार घूमती रहती है। दूसरे दिन सुबह सुबह उसे कॉलेज जाना था तो वह तैयार होती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, लेकिन कॉलेज के अंदर भी उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि मेरे पिताजी की पंचायत में इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है और मैं अगर बेटा होता तो अपने पिताजी का साथ देता। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों तक पूनम कॉलेज के अंदर ऐसी गुमसुम सी बैठी रहा करती है। अब इस बात को पूनम की एक मैडम होती हैं जिसका नाम होता है सीमा मैम। सीमा मैम पूनम को ऐसा बैठा हुआ देखती हैं तो वह यह बात को नोटिस कर लेती हैं, और एक दिन लंच के दौरान सीमा मैम पूनम को अपने पास बुलाती हैं और पूनम से पूछती हैं कि पूनम तुम क्लास में तो होती हो लेकिन तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं रहता, आखिर क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम मुझे बता सकती हो, आखिर मैं तुम्हारी गुरु हूँ। उसके बाद पूनम एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और सीमा मैडम के गले लिपट जाती है। गले लिपट कर वो फूट फूट कर रो रही थी, इधर जो सीमा मैम है उसे शांत कराती है और उससे पूछती है कि बेटी आखिर बात क्या हुई, तुम मुझे बात को बता सकती हो। उसके बाद पूनम पूरी बात अपनी सीमा मैम को बताती हैं। वह बताती हैं कि मेरे पिता की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है और इसके बाद मेरे पिता कह रहे थे कि अगर मेरा बेटा होता तो मेरे साथ खड़ा रहता। अब इस बात को सुनने के बाद जो सीमा मैम है वो भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी बात आ गई थी जहाँ पर बेटी और बेटा के बीच में फ़र्क दिखाया जा रहा था। क्योंकि सीमा मैम एक अध्यापक थी और उसे पता था कि बेटी और बेटा एक समान होते हैं, दोनों चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद वह पूनम को समझाने लगती है, कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, तुम बेटी हो, भगवान ने तुम्हें बेटी बनाया है, लेकिन बेटियां कमजोर नहीं हुआ करती। उसके बाद वह उसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है, कहती है कि बेटी तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी सी पोस्ट को हासिल करो और उसके बाद तुम अपने पिता की बेइज्जती का बदला ले सकती हो। इस बात को सुनने के बाद पूनम के अंदर भी जोश बढ़ता है और पूनम भी अपनी मैम से वादा कर देती है कि मैडम मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अधिकारी बनूंगी और उसके बाद अपने पिता की बेइज्जती का बदला लूंगी। इसके बाद जो पूनम है वो पढ़ाई पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है और अपने पिता की बेइज्जती को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, समय के साथ साथ उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, और जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटी अब तू जवान हो गई है, तेरी शादी करा देते हैं। लेकिन पूनम अपने पिता से मना कर देती है, कहती है कि पिताजी मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना है और उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। अब इस बात को उसके पिता सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बेटी अगर पढ़ना चाहती है तो एक दो साल उसको और देते हैं। उसकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो ही गई थी। उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटी अगर तुझे बड़ा अधिकारी बनना है तो तेरे पास एक साल है, इस एक साल के अंदर अगर तूने कुछ करके दिखा दिया तो ठीक है, वरना मैं तेरी शादी करा दूंगा। इस बात को सुनने के बाद पूनम को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, लेकिन वो अपनी मेहनत को जारी रखती है। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं बड़ा अधिकारी बनने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ और कोचिंग के लिए मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। उसके बाद उसका पिता उसे खुशी खुशी कोचिंग के लिए दिल्ली भेज देता है, क्योंकि पूनम का पिता अब एक कंपनी में जॉब करने लगा था और उस कंपनी के पैसों से ही वो अपनी बेटी को कोचिंग करवाने के लिए दिल्ली भेज देता है। क्योंकि उसकी खेतीबाड़ी तो उन लोगों ने छीन ली थी, लेकिन कंपनी में जहाँ वो काम किया करता था वहाँ पर उसे अच्छी खासी सैलरी मिल जाया करती, और उसके बाद वो कुछ पैसे बचाकर अपनी बेटी की कोचिंग के लिए कुछ पैसे भेज दिया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ जो पूनम है वो मेहनत करती रहती है, और इसी मेहनत के दौरान एक दिन पूनम की ये मेहनत रंग लाती है। उसका यूपीएससी क्लियर हो जाता है और वह एक आईएएस बन चुकी थी। अब जैसे उसे पता चलता है कि वह आईएएस बन चुकी है तो उसके बाद पूनम फूट फूट कर रोने लगती है। जो उसके साथ की लड़कियाँ थी जो वहाँ पर उसके साथ कोचिंग किया करती थी, वह उसको शांत करती है और कहती है कि तू इस तरह से क्यों रो रही है, आखिर तू आईएएस बन गई है। उसके बाद पूनम थोड़ी सी शांत होती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे, और वह अपनी दोस्तों से कहती है कि ये तो खुशी के आंसू है, आज मैंने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिस मुकाम को हासिल करने के लिए मेरी मैडम ने मुझसे कहा था और मुझे इस रास्ते के बारे में बताया था। यह बात वह अपनी मैडम को फ़ोन करके बताती है कि सीमा मैम आज मैं एक आईएएस बन गई हूँ। इस बात को सुनने के बाद उसकी मैडम भी बड़ी खुश होती है और कहती है कि बेटी भगवान तुझे बहुत ज़्यादा तरक्की दे। उसके बाद पूनम इस खुशी को अपने पिता को बताती है और कहती है कि पिताजी मैं आईएएस बन गई हूँ और कुछ दिनों तक मुझे ट्रेनिंग पर जाना है और ट्रेनिंग पर जाने के बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन वो अपने पिता से कहती है कि
पिताजी इस बात को गाँव में किसी को भी मत बताना। उसके पिता कहते हैं कि बेटी ऐसा क्यों, तो वो कहती है कि पिताजी टाइम आने पर मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद उसके पिता गाँव में किसी को भी महसूस नहीं होने देते हैं कि उनकी बेटी पूनम जो कि एक IAS बन चुकी है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, समय के साथ साथ पूनम की ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाती है। पूनम की ज्वाइनिंग को अभी थोड़ा सा टाइम था, ज्वाइनिंग से पहले कुछ समय था और समय में वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जैसे वो घर आती है तो उसके माता पिता उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी बेटी पिछले एक साल से घर नहीं आई थी और इस दौरान उसने इतनी मेहनत की थी कि वह अपने माता पिता से बात भी नहीं किया करती थी। दोस्तों, पूनम जब पढ़ा करती थी तो उस समय पे पूनम को ये भी पता नहीं रहता था कि बाहर कौन सा मौसम चल रहा है, दिन है या रात है। उसने दिन रात एक कर दिया था और दिन रात एक करके इस मुकाम को हासिल किया था। वह घर आती है, घर आने के बाद अपने माता पिता से गले लिपट लिपट कर रोने लगती है। इधर उसकी छोटी बहन भी वहीं थी और वह भी उसके गले लिपट कर रोने लगती है। इसके बाद पूनम अपने पिता के सामने खड़ी होती है और पिता से कहती है कि पिताजी कल आपको एक पंचायत का आयोजन करना है। इसके बाद पूनम के पिता कहते हैं कि बेटी पंचायत का आयोजन क्यों करना है, आखिर क्या बात हो गई। तो उसके बाद पूनम कहती है कि पिताजी क्या आपको वो दिन याद नहीं है जिस दिन आपने पहले पंचायत बुलाई थी और उस पंचायत में आपका अपमान किया गया था। इस बात को सुनने के बाद जो पूनम का पिता है उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। इस बात को देखकर पूरा परिवार दोबारा से रोने लगता है और पूनम अपने पिता को एकदम से गले से लगा लेती है। पूनम रोते हुए अपने पिता से कहती है कि पिताजी आपके अपमान का बदला लेना है और इसी वजह से आपको दोबारा से पंचायत बुलानी पड़ेगी। इस बात को सुनकर जो पूनम की माँ उससे मना करती है, कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, तुम कामयाब हो गई, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन पूनम अपने पिता से साफ साफ बोल देती है, कहती है कि आपको पंचायत बुलानी पड़ेगी। उसके बाद पूनम का पिता दूसरे दिन इसी तरह से पंचायत बुलाता है और जैसे पंचायत में सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो उस व्यक्ति को भी उस पंचायत के अंदर बुलाया जाता है जो पूनम के पिता को धमकी दे रहा था, और धमकी देने के बाद उसने पंचायत में उसके पिता की बेइज्जती की थी। पंचायत के लिए सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए थे तभी पूनम अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और उस पंचायत के अंदर जाकर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद पूनम पंचायत में खड़ी होकर बोलने लगती है और गणमान्य लोगों से कहती है कि आपने 4 साल पहले जो फैसला किया था वो फैसला हमें अच्छा नहीं लगा, उस फैसले को आप दोबारा से कीजिए और आज मैं अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हूँ। उसके बाद कुछ लोग पूनम के पिता से कहने लगते हैं कि तू अपनी बेटी को अपने साथ क्यों लेकर आया है। तभी जो पूनम का पिता है एकदम से सभी गांव वालों को बता देता है कि जो मेरी बेटी है ये एक IAS ऑफिसर बन गई है और इसने ही मुझे इस पंचायत को रखने के लिए कहा था और इसने कहा था कि उस पंचायत के उस फैसले को दोबारा से करवाएंगे जो फैसला उस दिन अधूरा रह गया था। अब जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि इसकी बेटी IAS अधिकारी बन गई है तो सभी लोगों के चेहरे लटक जाते हैं, क्योंकि जब उसके पिता की बेइज्जती हुई थी तो उस टाइम पर कुछ लोगों ने उसके पिता का बहुत ही मजाक उड़ाया था। उसके बाद पूनम उस दबंग व्यक्ति से उस पंचायत के अंदर बदला लेती है और उसकी भी इतनी ही बेइज्जती करती है जितनी कि उसके पिता की किसी दिन की गई थी। इस बात को देखकर कुछ लोग जो पूनम के पिता के फेवर में थे वो एकदम से बड़े ही खुश हो जाते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। दोस्तों, इसके बाद पूनम अपनी उस जमीन पर दोबारा से अपने पिता को खेती करने के लिए छोड़ देती है और कहती है कि पिताजी आप बिना डरे इस जमीन पर खेती कर सकते हो और आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। भरी पंचायत में उसने ये बात कही थी लेकिन उस दबंग व्यक्ति के मुंह से एक बात भी नहीं निकली थी, क्योंकि आज उस व्यक्ति की बेटी एक IAS ऑफिसर है। अब दबंग व्यक्ति इन सभी बातों को सुनकर अपना मुंह लटकाकर उस पंचायत से निकल जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि उसने जो किया था वो गलत था और आज उसके साथ सही हुआ है। गांव के लोग पूनम को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उसके बाद वे अपने पिता को लेकर वापस से अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के सामने अपने पिता से कहती है कि पिताजी भले ही मैं आपकी बेटी हूँ लेकिन मैं बेटे से कम नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद उसका पिता एक बार फिर से भावुक हो जाता है और कहता है कि बेटी मैंने तुमसे कब कहा था कि तू बेटी है और बेटे से कम है। तो उसके बाद पूनम बताती है कि उस रात जब आप और मम्मी बात कर रहे थे तो मैं अंदर से सारी बात को सुन रही थी और इसी वजह से मैंने ठान लिया कि मैं एक बड़े अधिकारी बनूंगी और अधिकारी बनने के बाद आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। इस बात को सुनकर पूनम का पिता थोड़ा सा शर्मिंदा होता है लेकिन उसकी बेटी एकदम से उसको गले से लगा लेती है और
और कहती है कि पिताजी आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, अब वो लोग शर्मिंदा होंगे जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की थी। अब इसके बाद परिवार हंसी खुशी कुछ दिन वहीं पर बिताता है और पूनम की ज्वाइनिंग का टाइम आ जाता है। पूनम की पोस्टिंग एक दूर के शहर में हुई थी, अब पोस्टिंग हो गई थी, पूनम अपना काम बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से किया करती थी। तभी वह अपने एरिया के जहाँ पर वो रहा करती थी, जहाँ पर उसका गाँव था, वहाँ के एरिया के IAS अधिकारी से कहती है और उन लोगों के बारे में उसको सूचना देती है कि ये लोग बहुत ही गलत काम करते हैं और आपको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वहाँ का IAS अधिकारी उस अधिकारी की बात मानकर सीधा वहाँ पर जाता है और उन लोगों के गलत कामों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेता है। वो दबंग लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनके काफ़ी सारे ऐसे उल्टे सीधे धंधे थे जिनसे वो अवैध रूप से पैसा कमाया करते थे और IAS अधिकारी ने आकर उन सभी धंधों को बंद करा दिया था। उन्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये उसी ज़मीन की वजह से हो रहा है जिस ज़मीन के लिए उस व्यक्ति को उन्होंने पंचायत के अंदर जलील किया था, यानी कि पूनम के पिता को। अब पूनम के पिता को जब इन सभी बातों के बारे में पता चलता है तो वह अपनी बेटी के पास फ़ोन करता है, कहता है कि बेटी उन लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ, जो भी वो गलत काम किया करते थे सारे गलत काम उनके बंद हो गए हैं। तो पूनम अपने पिता को बताती है कि पिताजी इन कामों को बंद कराने के लिए वहाँ के IAS ऑफिसर से मैंने ही कहा था, मैंने ही उनसे रिक्वेस्ट की थी और इसके बाद उन्होंने उनके उन कामों को बंद कराया है। इस बात को सुनने के बाद पूनम के पिता का सीना और भी चौड़ा हो जाता है और वह अपनी बेटी होने पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की पूनम की जिसके पिता की एक पंचायत में बेइज्जती की गई और उसी बेइज्जती के कारण वह एक IAS ऑफिसर बन गई। आप क्या कहना चाहते हो पूनम के बारे में, क्या कहना चाहते हो सीमा मैडम के बारे में, क्या कहना चाहते हो पूनम के पिता के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।